बड़े चीनी की और यार अपने व्हाइट ब्लैक वाले की दोनों क्या डिशुम डिशुम हो गई थी यार। तो हाँ जी दोस्तों, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई अभी यार बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया हमारा, बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब सोच नहीं सकते इतना बड़ा। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ दूर से दिखा के, ठीक है। मेरा अपना बड़ा चीना, ठीक है, पता नहीं यार ये भी खुला हुआ था गेट, अभी मैंने वापस से बंद करा, और सामने से वाइट लेग वाला भी खुला हुआ था। वो तो शुक्र है वाइट लेग वाले के कील हमने भाई छोटे नहीं किए थे, मतलब नॉर्मल करके रखे थे ताकि मुर्गियों के लगे नहीं, वन ये दोनों आपस में झगड़ रहे थे भाई, ये और हमारा वाइट लेग वाला, ठीक है। ये रहा, पता नहीं भाई कैसे खुले पड़े थे ये। वैसे तो अपना चीना पूरा ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल सेट है, वाइट लेग वाला भी ओके रिपोर्ट है, दोनों बच गए। तो यार जो कील उसके हमने छेड़े नहीं ना, उस चक्कर में ना मतलब अपनी चीने की आँख वगैरह बच गई, ठीक है। वरना आपको पता ही यार वाइट लेग वाले का पता नहीं यार कैसे खुल गया, मेरे को तो ये नहीं पता लग रहा कि यार वो वाला गेट भी नहीं खुल सकता ना ये वाला गेट खुल सकता है, अभी सीन क्या हुआ होगा ये भी नहीं पता। हम लोग थे नहीं, हम लोग थे उस्ताद के वहाँ पर, और जैसे हम लोग घर में आ गए थे, ठीक है, घर में आके सीधा हम लोग नीचे चले गए थे हम, तो अभी पता नहीं भाई कैसे झगड़े कैसे नहीं, कैसे खुले कैसे नहीं, कुछ नहीं पता यार। तो यार अभी यार मतलब वैसे तो यार दोनों फिट हैं, ठीक है, दोनों को कुछ नहीं हुआ, कील वगैरह दोनों के ही नहीं आए, क्योंकि चीने के कील हमने काट रखे हैं, ठीक है, और वाइट लेग वाले के जो कील हैं वो सही है, मतलब हमने तिक्खे नहीं करे हुए, ठीक है। तो इस चक्कर में दोनों बच गए, बाकी क्या सीन हुआ होगा पता है, मेरे ख्याल से ना इनमें से यार या तो कोई एक खुल गया होगा गेट वगैरह, ठीक है, और दूसरा सीन जो खुला होगा वो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, तो वो नॉक नॉक मतलब जाली में नॉक नॉक वगैरह मार मार के ना इन्होंने गेट खोल लिए होंगे, और उसके बाद पता नहीं पर ये कितना टाइम झगड़ बैठे आपस में। पिछली बार भी भाई ऐसे ही हो गया था, अपना ये बड़ा चीना और जो अपना बड़ा पीला था ना, ये एक बार पहले भी ऐसे ही खुल गए थे, ये लोग पहले भी ऐसे झगड़ बैठे थे, पता नहीं क्या सीन है यार। गेट खुल नहीं सकते यार, पर जहाँ तक मेरे को पता है गेट बहुत अच्छे से हमने लगाए हुए हैं, गेट खुलने का चांस ही नहीं बनता। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, ये वाले गेट को तो छोड़ो, ठीक है, अगर ये देखो ये वाला खुल भी जाता ना अगर इसको छोड़ो, ठीक है, मैं आपको मेन गेट दिखाता हूँ, ये वाला, इस वाले में था वो, ठीक है, एक सेकंड इसको लगा दूं मैं, ये देखो इसको लगा दिया ना तो ये खुलने का चांस ही नहीं बनता भाई। मैं इतना हिला रहा हूँ तो नहीं खुल रहा है, ठीक है, अगर मुर्गे कैसे खोल देंगे आप सोच के देखो, ये देखो कितना खींच रहा हूँ मैं, मेरी उंगलियाँ लाल हो गई, देखो। तो यार मुर्गे कैसे खोल सकते आप सोच के देखो यार, ये ऐसे ही नहीं खुला, ये मुझे शक भी बहुत होता है आपको पता ही है, फिर ऐसे खुल नहीं सकते भाई, खुडे किंग का नहीं खुला यार, किंग का किंग भी खुल जाता अगर खुलना होता तो, ऐसे बस शाह हो गया भाई अपने ब्रीडर का, अपने पास यही है आपको पता है जिससे आप ब्रीड चलवाते हैं ना, वैसे मादियाँ भी खुली हुई है, ये भी नोकम नोक हो रही थी, बहुत नुकसान हो जाता है यार आज। और चीज़ का फ़ायदा अपने को पता है क्या हो गया, मतलब किस चीज़ की वजह से अपने दोनों जो बड़े मुर्गियाँ बच गए, जो अपना चीना आपको पता है गर्मियों का है वो तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपने पर दूसरा है ना वाइट लेग वाला वो धूप में नहीं झगड़ता, ठीक है, किसी से भी नहीं लड़ता धूप में, वो अपना आराम से चले जाता है जब वो थक जाते हैं ना, तो वही सीन हुआ होगा, वो थक गया होगा, वो चले गया होगा, ठीक है। तो इस करके ये लोग आपस में जो है बच गए, वरना भाई बहुत नुकसान हो जाता है। तो मेरे मुँह से ही बार बार ये निकल रहा है नुकसान होता, क्योंकि मेरे पास यही है यार अभी, ठीक है, दो जो बड़े ब्रीडर हैं, तो क्या करता अगर ये दोनों ही ख़राब हो जाते, तो अपने बड़े चीनी की तो एक आई ऑलरेडी नहीं है, समझ रहे हो आप, बाकी ना दाना मैंने डाल दिया है भाई वहाँ पे, ठीक है, अपने बड़े चीने को साफ़ कर रहा थोड़ा सा, जो उसके मतलब लगे हुए हैं थोड़े से, बाकी मादी जो है अभी दाना खा रही है, तो इसमें थोड़ा सा बाजरा भी डाल देता हूँ, कनक जो है अपनी ख़त्म हो गई है, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ बाजरा मिक्स कर दूँ और कैल्शियम भी डाल देता हूँ, है ना, सही रहेगा फिर। तो वाइट लेग वाले को भी साफ़ करके खड़ा कर दिया अपन ने, ठीक है, अंदर ही, तो अभी सुन हो के खड़े ही है, तो चीना तो लगा हुआ है दाना वाना खाने पर, वो तो बिल्कुल सेट है अपना बड़ा चीना, इसे नहीं फ़र्क पड़ता भाई, इसे तो जो मर्जी आके पीट के चले जाए, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी मस्ती में दाने वाने खाने, मैंने कहा चलो खाने दो इसको, फिर भी दाना ज़्यादा नहीं देना इसको भी और उसको भी, दाना देना है कम ही, इसको दाना इसलिए कम देना है क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही जोर लगा लिया आपस में आज, ठीक है, तो इस करके थोड़ा सा कम दाना देना होता है, वरना ना ये पोर जाम वगैरह ना इनके हो सकते हैं, तो उन चीज़ों से अगर मतलब पोर जाम वगैरह से बचना है ना, तो दाना ना कम देना चाहिए जब मुर्गों का ना जोर लग जाता है, ठीक है। तो चीनी की पट्टियाँ भी मैंने खोल दी है, ठीक है, स्लेटी वहाँ दाना खा रही है, इनके लिए लगाया था मैंने, वो चले गई है, तो चलो स्लेटी जैसे ही खा लेगी, तो वो पट्टियाँ भी मैंने खोल दी, जैसे स्लेटी खा लेगी उसके बाद ये लोग खा लेंगे अपने आप, तब तक पानी वगैरह पी रही हैं तो पीने देते हैं इनको।
चीने के साथ भी खा सकते हैं, पर उससे डरती हैं, वो तो कुछ कहता नहीं है, पर जाती ही नहीं है ये लोग खाने। देखो उसके पास ही घूम रही है, खाएगी फिर भाग जाएगी एकदम से, देखो जैसे वो नीचे आता है। चीने ने यार अपनी दुम ख़राब करवा ली यार, इसका दो तीन पर जो मैंने अभी मतलब निकाले हैं टूट गए थे बिल्कुल ही। एक तो ये रहा देखो, एक दो पता नहीं कहाँ नीचे फेंक दिए शायद भाई ने, पूरा नया पर था ये देखो, कच्चा पर था बिल्कुल, तोड़ दिया बदतमीज ने, देख रहे हो क्या बोलें इसको, पता नहीं गेट कैसे खुल गया यार, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कैसे खुल सकते हैं गेट, चांस ही नहीं बनता यार गेट खुलने का, वो भी मुर्गे तो वैसे ही नहीं खोल सकते, कोई हम लोग खींच रहे तब नहीं खुल रहे। शुक्र है भाई इसका गेट नहीं खुला, ठीक है किंग अपना हरामी बहुत है, औरों का तो पता नहीं, ये तो कील पे कील बजा देता है इनके, फिर ये ना लेट चलता है और ये भागता भुगता नहीं है, गर्मी के चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो ये भागता भुगता नहीं है, ये हरामी है किंग आपको पता है। बस मेरे को इस पर थोड़ा सा वो हो रहा है, इसको हो के गया आज, पता नहीं हमने तैयारी लगा के छोड़ा था ना, उसके बाद खुराक से पूरा पोटा फुल हो गया था, तो वो वजन से भी ना मतलब पेट फुल होता है, उसकी वजह से भी थोड़ी सी कमज़ोरी दिखा जाता है। चलो मेरे को तो अच्छा ही हुआ भाई, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, इसने कुछ नहीं करा, पर ना आपको पता ही है ये क्या कर देता है वाइट लेग वाला, आपको सारी आपने वीडियोस देखी है इसको, आपको एक एक चीज़ के बारे में पता है इसकी, इसमें कौन सी मतलब क्षमता है यार। अपना चीना भी ऐसा है आपको पता है यार, वो जल्दी से ना कोई है नहीं मतलब जो उसको इतना जल्दी हिट कर पाए, ठीक है जो उसका सेकेंड टाइम शो में जब गया था उस टाइम पर उसकी हिट इसलिए लग गई थी क्योंकि ना उसको जो अंदर से सामान था ना वो ठंडा दिया हुआ था, वैसे वरना मेरे पे बहुत वीडियोस थी उसकी, उसमें ना मतलब अपने बड़े चीने को टच करना बहुत मुश्किल था सामने वाले बर्ड्स के लिए। बस चलो यार आज की वीडियो मैं इतनी ही रखता हूँ क्योंकि मतलब क्या ही बोलूँ अभी मैं, नुकसान होते होते बच गया मेरा बहुत ज़्यादा, ठीक है आपको पता है यार वाइट लेग वाला भी अपने को बहुत ज़रूरी है, ठीक है और वो भी बड़ा चीना भी, बड़े चीना यार आपको पता है यार एक आई करके था उसकी ज़्यादा अपने को मतलब केयर करनी पड़ती है, अभी पता नहीं यार मैं तो बार बार यही सोच रहा हूँ कि खुद्डे खुल कर सकते हैं क्योंकि यार जो इतने दिनों से नहीं खुले वो आज कैसे खुल जाएंगे, ठीक है अपने आप तो आपको पता है खुल ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है कि अपने आप पिंजरे खुल जाए, है ना। बाकी चलो जो होता है अभी यार हो गया, चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।